आप स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा तो देख ही रहे होंगे, जिसमें आए दिन हमें नए नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से सीरियल की पूरी कहानी पलट के रह जाती है। जहां सीरियल में कई नेगेटिव किरदार देखने को मिल रहे हैं, तो कई पॉजिटिव किरदार भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो वहीं सीरियल में फिर एक बार एक नए किरदार की एंट्री होने जा रही है, जो कि सीरियल की पूरी कहानी को बदल देगा। और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा सितारा है जो बहुत जल्द ही सीरियल में नजर आएगा। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में जहां आपको इन दिनों पाखी और अधिक की शादी का ट्रैक देखने को मिल रहा था, वहीं फिर एक और नया ट्रैक दिखाया गया है, जिसमें अनुपमा एक लड़की को न्याय दिलवाते हुए नजर आने वाली है, जहां अब अनुज और अनुपमा दोनों साथ रहकर इस जंग से लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें उस स्टार की जो बहुत जल्द शो में नजर आने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि इब्रार याकूब है, जिनके आने से शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इब्रार याकूब इससे पहले कई बड़े शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें अग्नि फेरा, देवों के देव देव और क्या हुआ तेरा वादा जैसे बड़े शो शामिल हैं। और जब से इनका नाम राजन शाही के इस बड़े शो अनुपमा से जुड़ा है, उसको देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इब्रार, जो टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, वो अनुपमा सीरियल में कौन सी भूमिका में नजर आते हैं और इनके किरदार से ऑडियंस कितना कनेक्ट हो पाती है और क्या ट्विस्ट लाएंगे ये अनुपमा और अनुज की जिंदगी में। हालांकि अभी तक इनका किरदार क्या होगा ये तो फाइनल नहीं हुआ है। वेल, अब देखना ये है कि क्या नया ट्विस्ट लाएंगे ये अनुपमा की जिंदगी में। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इब्रार याकूब की एंट्री सीरियल में देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।